स्थित खेल मैदान पर हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों से खिलाड़ियों और बच्चों को हो रही परेशानी के खिलाफ आज क्रीड़ा मैदान बचाव समिति ने विरोध प्रदर्शन किया। नागपुर शहर के दर्शन कॉलोनी के सद्भावना नगर स्थित मैदान को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस मैदान के लिए 1 करोड़ रुपए निधि पास की है, लेकिन NIT द्वारा ली गई परमिशन के बाद वहां विभिन्न कार्यक्रम सभा आए दिन आयोजित की जाती है, जिससे उस मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ी और परिसर के बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। यह खेल मैदान परिसर के बच्चों और प्रशिक्षु खिलाड़ियों के लिए बनाया गया था, किंतु वह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल बनकर रह गया है। यह साफ तौर पर खिलाड़ियों और बच्चों पर अन्याय है, जिसके चलते पूर्व नगर सेवक ने आवाज उठाते हुए क्रीड़ा मैदान बचाओ समिति के सभी पदाधिकारियों समेत मैदान पर आंदोलन किया और NIT द्वारा किए जा रहे इस अन्याय के खिलाफ विरोध दर्शाया। साथ ही मांग की है कि मैदान सिर्फ बच्चों और खिलाड़ियों के इस्तेमाल के लिए ही रखा जाए, अन्य कोई कार्यक्रम यहां आयोजित ना किए जाए। मैं हरीश दी कुंडोर माजी नगर सेवक, और यहां पे हमने जो दर्शन कॉलोनी सद्भावना नगर मैदान संघर्ष समिति बनाई है, वो सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। हम सभी लोगों का यही निर्धार है कि ये मैदान क्रीड़ांगन है, जिसे गडकरी साहब ने 1 करोड़ रुपए के निधि से यहाँ पे डेवलप किया है, और इस मैदान को जब विकास क्रीड़ांगन के लिए किया हुआ है तो इसमें कार्यक्रम की परमिशन NIT वाले देने वाले होते कौन है? NIT जब क्रीड़ा यहाँ पे डेवलप करने का है तो संपूर्ण रूप से क्रीड़ा के लिए रहना चाहिए। यहाँ पे किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि कोई भी कार्यक्रम यहाँ पे होना नहीं चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सभा का आयोजन हो रहा है और इस सभा के माध्यम से लोगों बच्चों का खेलना बंद हो गया है, तो बच्चों को खेलने जाना कहाँ, ये प्रश्न चिन्ह है। यहाँ पे नेशनल लेवल की साइकिल पोलो कॉम्पिटिशन हुई, बड़ी बड़ी स्पर्धा यहाँ पे हो रही है, तो इस स्पर्धाओं का आयोजन अगर ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से रुकता है तो निश्चित रूप से ये बच्चों के साथ में और खिलाड़ियों के साथ में अन्याय है। तो खिलाड़ियों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ में हम लोगों ने आवाज़ बुलंद की है। बस्ती को लोगों के जो यहाँ पे घनी बस्ती आप देख रहे हैं, 300 स्क्वायर फीट 600 स्क्वायर फीट में रहने वाले लोग हैं, आज इनके बच्चों ने खेलने जाने का कहा, जब NIT ने यहाँ पे इतना बड़ा यहाँ पे मैदान छोड़ा हुआ है तो बस्ती के लोगों के लिए छोड़ा हुआ है, तो बस्ती के लोगों के हित के लिए, बस्ती के लोगों को खेलने के लिए ही ये मैदान रहना चाहिए। ऐसी हमारी संघर्ष समिति की, मैदान बचाओ समिति की डिमांड। NBC न्यूज़ के लिए अजित कुंवर के साथ माहीन पठान की रिपोर्ट।